रघु शर्मा गांधी जी के दौरे आज तीन जगह हैं, तो राहुल गांधी तो कर ही रहे हैं टूर, पहले भी उन्होंने किए हैं, अजमेर भी आए थे, जालौर भी गए थे, कोटा भी गए थे, बनेश्वर धाम भी गए थे। सर, गहलोत साहब ने कहा कि आपने चारों ने जो एक साथ कैंपेनिंग की है उसका काफ़ी प्रभाव जो है पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का दुष्प्रचार कर रही थी कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में खेमे बंदी है, ये है, वो है, हमारी पार्टी के नेताओं ने साबित कर दिया कि कांग्रेस एकजुट है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एकजुट है, ऊपर से लेकर नीचे तक, और उसी का परिणाम है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने जा रहे हैं। 25 की 25 सीट हम जीतेंगे। बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चुनाव लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस जो है स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, कितना इफेक्ट दोनों को? बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं था, राष्ट्रवाद कोई मुद्दा होता चुनाव का? हम राष्ट्रवादी नहीं है, दो दो प्रधानमंत्री देश के, सादत दी इस राष्ट्र के लिए, इसकी एकता और अखंडता के लिए, इंदिरा जी और राजीव जी, हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त तो कोई हो नहीं सकता इस देश के अंदर, चाहे आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक। बीजेपी जिसने अंगुली नहीं कटाई कभी देश के लिए, वो लोग कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त थे, पब्लिक सब समझती है। हाँ सर, आप दूसरे चरण के जो है चुनाव प्रचार? हाँ, बस आज का मतदान खत्म होते ही हम जो 6 मई को जहाँ 12 सीटों पर चुनाव है उनके प्रचार में लग जाएंगे आज से। युवा नेता सागर जी हमारे साथ। तो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को आप सुन रहे थे। अपना वोट उन्होंने कास्ट किया मतदान केंद्र से बाहर आने के बाद, खासतौर से बातचीत फर्स्ट इंडिया से, की कहना यही कि हम स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, जनता समझ चुकी है, जीत को लेकर आश्वस्त वो नजर आए, लेकिन अब जब इलेक्शन हो रहा है